भी देखो यूट्यूब पे इसलिए वीडियो नहीं आ रहा है ना तो बस ऐसे थोड़ा सा मतलब पूछे थे, बड़ा शांति लग रहा है यूट्यूब पर, क्या दिक्कत है? कोई है हम कहीं दिक्कत कोई नहीं है, बस हाँ नहीं आ रहा है थोड़ा सा अभी देखो यूट्यूब पे इसलिए वीडियो नहीं आ रहा है ना। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लड़के दिल्ली में जाके यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते, 2 लाख तो फीस लग जाता है बच्चों का, और 10 लाख 2.5 लाख हो गया, तो आप एवरेज 2 ही लाख मान के चलिए, अब 10,000 रुपए एक महीने का लगता है, 2 साल रहेंगे तो 24 महीना रह जाएंगे, तो 2.5 लाख रहने का, और 2.5 लाख भी 5 लाख तो ऐसे हो गया। इसके बाद कॉपी किताब खाना पीना बीमारी आना जाना लाइब्रेरी बहुत झमेला रहता है, तो बेचारा कोई गरीब आदमी तो वहाँ जाइए नहीं पाएगा, तो रेसे से बाहर जाएगा। अभी पूरा इसी पे रहा है कि यहाँ के जो गरीब गांव तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़का अगर गरीब है तो गरीबी कभी भी शिक्षा में बाधा नहीं आनी चाहिए, शिक्षा में बाधा बस एक ही चीज होनी चाहिए, आप लापरवाह है। अभी पूरा इसी पर किस तरह से उसको कम किया जा सके, 2 लाख के फीस को हम 200 तो नहीं कर सकते, कितना सप्रेस कीजिए, लेकिन हाँ जितना कर सकता है आदमी उसको 5,000-10,000 तक, जो 2 लाख नहीं 5 लाख का चीज अगर 10,000 में आपको मिल जाए तो रिफंड नहीं कर सकते, इजिली कर सकते, इसमें बहुत टाइम लगता है भाव। तो अभी आप लोग नहीं समझ पा, कभी कभी क्लासों नहीं ले पाते, तो आप लोग अंदर अंदर कहते होंगे बहुत लापरवाही कर रहे हैं, नहीं बाबू आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत हैवी चाहिए इन्वेस्टमेंट से A to Z चाहिए, समझा कि नहीं? हम तो कहे कि चलिए भैया हम नहीं लेंगे फीस, लेकिन बाकी जितने लोग आएंगे कुछ देना है, उन लोग की भी तो फैमिली है भाई, और अच्छी पढ़ाई होगी तो उस लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम इसी सब में थोड़ा सा बिजी हो जाते, लेकिन खुशी इस बात का रहता है कि सुचिंतक लोग भी बिजी हो जाते, थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कहाँ गए सर, फिर आते हैं एक आध दिन में शांत हो जाते, लेकिन बहुत जल्दी आप लोग के लिए होगा यह व्यवस्था। हमेशा याद रखिएगा गरीबी जब तक हम जिंदा हैं गरीबी को शिक्षा में बाधा बनने नहीं देंगे, और एक ही चीज बाधा बनेगी आपकी लापरवाही, अगर आप लापरवाह नहीं यही बाधा बनेगा आपके लिए, आप खुद अपने लिए बाधा बनेंगे, गरीबी तो कभी बाधा नहीं बनने देंगे किसी को भी, कहीं पे भी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी सबको शौक होना चाहिए पढ़ने का, और लापरवाही करे वो अलग बात है भाई हमको, लेकिन एक चीज के लिए हम रहते हैं शिक्षा में पिटाई भी जरूरी है, घर का डांट और टीचर का पिटाई बहुत जरूरी है, वरना पढ़ते नहीं आप, बहुत फायदा कर, जितना को पीटे ज्यादातर में रिजल्ट हुआ उसको रिजल्ट बनाता है।